ओके राइट राइट राइट, एक बार बताइए, देखिए आवाज जो है वो ठीक है यहाँ पे बिल्कुल आपकी, एक बार जल्दी से। हाँ आगे आ गया, देखो अभी आया ना, कुछ होगा इससे शायद। वीडियो कैप्चर डिवाइस टू, इसको बंद कर दूं माइक को, अभी क्लास स्टार्ट कीजिए। एक बार अभी बताइए साउंड जो है ना वो साउंड देख, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको लेके बता देती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, साउंड को लेके बता देती हूँ कि आपकी जो साउंड की प्रॉब्लम ओके राइट, अभी बता दीजिए अभी बता दीजिए। हाँ ये ऐसे क्यों हो रहा है, वही मैं देख उसको नीचे नीचे वाला माइक को बंद करके ना ऊपर वाला जो ऑन किया था ओपन किया था ना आपने माइक उसको ऑन राइट अभी बता दीजिए एक बार।
अब ओके है ओके। एक बार जो फाइनल आवाज थी वो ना तो आप मुझे प्लीज करके थम्स अप बताइएगा करके ना ठीक है यहाँ पे कि नहीं। नहीं कोई इशू नहीं है, ये थोड़ी सी चीजें इरिटेट हो जाती हैं, ये थोड़ी इरिटेटेड हो जाती है चीजें, बट मेरे ख्याल आप ठीक है ओके है ओके है ओके नैन ओके है ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ, कहीं प्रॉब्लम होगा तो वापस से बता देना ठीक है ओके ओके राइट। एक बार अब आवाज ठीक आ रही है वो मुझे जरा ओके लिख के या थम्स अप लिख के बता दीजिए बस। अच्छा थोड़ा सा ना ये रहेगा कि एक दो दिन का प्रॉब्लम है, ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, तो हल्की सी क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल कितना ही हो जाए तो इस तरीके से मैनेज हो नहीं पाता है ज्यादा करे तो। अभी ठीक है, लाइट का कोई इश्यू नहीं है, अभी आपकी क्लास दिखना शुरू होगी तो आपके लिए सारी चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा पहले मैं इस क्लास के बारे में बता दूं कि ये क्लास जो है वो किस चीज की है और क्या इसका मकसद है, इसको कराने का कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको कराने का, वो थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोगों के लिए जो क्लास है ये यूट्यूब की हिस्ट्री में, शायद जैसे मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ तो आप समझ सकते हो बार बार बोलने का मतलब क्या है कि शायद ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द पॉइंट इज दिस, यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार एक ही सीरीज में या एक ही साथ किसी टीचर ने 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है ना वो कराए। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो वन लाइनर होगा, मैं अभी आपको यहाँ पे कराने लग रही हूँ। फॉर्मेट का जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो वन लाइनर होगा। ये कुछ इस तरीके से है कि एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको जीके रिवाइज करनी है, ये बात मैं ग्रुप डी के बच्चों के लिए और एसएससी दोनों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, अगर आप एग्जाम में आप जाने लग रहे हो उससे एक महीना पहले अगर कोई भी चीज आपको रिवाइज करनी है, मैंने बोला है, तो ये नोट्स को उठाइएगा, ये 10,000 क्वेश्चन जो है ना उनको उठाइएगा और फटाफट रिवाइज करिएगा। मैक्सिमम चीजें जो है वो इसमें कवर हो जाएंगी, 90% से ज्यादा जो जीके अगर हम करंट अफेयर को छोड़ दें, हालांकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करंट अफेयर के भी कराऊंगी, लेकिन अगर करंट अफेयर को हम थोड़ा सा छोड़ दें तो आपकी ये जो सारी चीजें है ना वो इस 10,000 की सीरीज में कंप्लीट हो जाएगी। सीरीज वन करके इसको क्यों लिखा हुआ है ये मैं बता देती हूँ यहाँ पे, कि जो सीरीज वन है इसमें हम सबसे पहले 2,500 क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद सीरीज टू सीरीज थ्री करके आपकी सीरीज फोर तक ये पूरा जाएगा, यानी कि चार सीरीज में कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर पाओ, नहीं तो ये 10,000 क्वेश्चन आप लोग स्टोर करना मैनेज करना यही थोड़ी सी आप लोग के लिए मुश्किल हो सकती है। तो द पॉइंट इज दिस कि ये क्लास आपकी सीरीज वन की पहली क्लास है, हर क्लास के अंदर आप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे, जैसे आज की क्लास है, आज जो है ना आप कितने क्वेश्चंस कर लोगे यहाँ पे, आप आराम से ना 100 क्वेश्चंस करके जाओगे, 100 क्वेश्चंस आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे। अभी क्वेश्चन हर दिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे, जैसे आज के जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के हैं क्योंकि सुबह हमने बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एसएससी में मदद करेंगी, साथ में रेलवे जो एग्जाम आपका अभी ग्रुप डी का है और एनटीपीसी का जिन लोगों का एग्जाम है उसमें भी मदद करेंगी। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारी चीजें जो है ना वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। रही बात पीडीएफ की, तो जैसे पीडीएफ आज आपको सुबह की क्लास की मिली है, ऐप पे जिस तरीके से आपको पीडीएफ मिलती है उस पे मिलेगी, और दूसरा टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जीएच विद शिप्रा चौहान करके टेलीग्राम लिंक है, आप उसको थोड़ा सर्च करने की कोशिश करिएगा, आज सुबह की भी पीडीएफ उस टेलीग्राम में अपडेट हो चुकी है। तो दो जगह है, या तो आप ऐप से पीडीएफ ले लीजिएगा या पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम लिंक पे जाके ले लीजिएगा, बराबर है। क्वेश्चंस मैं दिखा देती हूँ आपको कि क्वेश्चंस जो है वो हम कैसे करने वाले हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आज तो ये स्लाइड वगैरह जो है वो थोड़ी सी क्या हो रही है ना कि ये कट पिट जा रहा है इधर उधर, थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा था, सुबह भी मैंने आपको बोला था ये चीज कि बोर्ड का थोड़ा सा ना आइडिया नहीं लग पा रहा है, इसीलिए इस क्लास का थोड़ा कट पिट जा रहा है ये, तो बाद में धीरे धीरे ये सारा चीजें जो है वो ठीक हो जाएगी। मेरी बात समझिए, आप प्लीज करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर ये क्लास इस तरीके से शुरू हुई है तो किसी भी बच्चा, ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसको यहाँ पे किसी भी तरीके से तकलीफ हो ये क्लास को करने के लिए। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो 100 क्वेश्चन करने हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी करनी है, तो क्लास में टाइम लगेगा, इसीलिए ये एक घंटे की क्लास रखी गई है ताकि सारी चीजें जो है वो अपनी सहूलियत के साथ बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। ठीक है,
अच्छा पीडीएफ वगैरह जो पुरानी है वो सारी की सारी मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कैसे भी आप कोई टेंशन ना लो। अभी देखो यहाँ पे पहला, अरे कैमरा वैमरा ये सब बोल रही हूँ मैं, कैमरा ये सारा सेटअप जो है वो एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा। अब अगर आज मैं क्लास शुरू कर रही हूँ, एटलीस्ट क्लास तो शुरू ही, वो वाली चीज है, नहीं तो मुझे वैसे लेना पड़ता बैठ के, तो वाला सिस्टम में मजा नहीं आता है क्लास पढ़ाने में। तो एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम ये क्लास जो है वो कर सके पूरी तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी, आप उसका आंसर जो है इसके सामने ही लिखा हुआ है, डिस्कशन जो है ना वो हम करने वाले, जैसे आज की क्लास जा रही है वैसे ही आगे की सारी क्लासेस जाएंगी। अनअकैडमी की आईडी आपको कल मिल जाएगी, अभी वो प्रोफाइल वगैरह उसमें बना है अभी, तो अभी आप जाओगे तो शिप्रा चौहान करके आपको वहां पे मिल जाएगी वैसे तो प्रोफाइल, लेकिन यस मैं उसका लिंक वगैरह जो है ना वो आपको कल ही दे पाऊंगी, ठीक है। ओके राइट, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज दी नॉकनीज डिजीज बोल एग्स एंड पिजियन चेस्ट इन चिल्ड्रंस, किस विटामिन की कमी से बच्चों में घुटनों में पैर में और छाती में खराबी आती है, यानी कि वो स्टंटेड हो जाते हैं, तो विटामिन डी जो है वो आपको आंसर याद रखना है। विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो विटामिन डी से ही मजबूत होती हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन डी करके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर दी कोएगुलेशन ऑफ दी ब्लड, आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए आपको अगर विटामिन पूछा जाता है तो आप विटामिन के आंसर करोगे, लेकिन अगर शरीर में थक्का जमाने के लिए किस मिनरल की बात यहाँ पे की जा रही है, या जब आपसे मिनरल पूछा जाएगा तो आंसर आप क्या करोगे, कैल्शियम करके। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस, यानी कि मानव में या मनुष्यों में जो श्वसन का जो वर्णक होता है वो हम किसे बोलते हैं, तो हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन जो है वो मनुष्यों में वर्णक की तरह काम करता है, और ये हमारा ना ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 को, O2 और CO2 को यहाँ पे आपका काम करने उसको एक्सचेंज करने का काम करता है, तो यहाँ पे वर्णक की हम बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल को बनाना होता है तो किस जीव को इस्तेमाल करते हैं, आप में से कई लोगों को क्या लगता है कि ईस्ट जो है वो हमारा क्या है, हम उसको एज एन ऐसे समझते हैं कि ईस्ट तो ये हो गया कि खमीर जो हम है ये आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये कोई केमिकल चीज नहीं है पाउडर या खाना सोडा की तरह जिसमें से हमने CO2 और O2 को इवॉल्व कर दिया, ये जो ईस्ट है ना ये हमारा क्या है, ये एग्जैक्टली हम किसे बोलते हैं कि खमीर एक तरीके की फंगस बोली जाती है, ईस्ट क्या होता है हमारी, ये एक तरीके की कवक होती है, और ये कवक जो है एक तो एक्सेप्शन है, ये अपवाद भी है, अपवाद कैसे है ये कि यहाँ पे सारी की सारी जो फंगस होती है वो कैसी होती है, बहुकोशिकीय होती है, यानी कि मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन खाली ईस्ट जो है ना वो क्या होती है, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय। तो ये इसी तरीके से ना हम पूरा जीके कंप्लीट करेंगे, आगे पॉलिटी वगैरह में मैं आपको आर्टिकल्स वगैरह लर्न कराऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप से शुरू करेंगे, इंडिया मैप जो है उसको पूरे को पढ़ेंगे, वर्ल्ड के मैप को पूरा पढ़ेंगे, तो डिटेलिंग करके विद इन 4 महीने आपकी जीके जो है ना वो परफेक्ट हो जाएगी, राइट, ये चीज समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर किसी भी कोशिकाओं को श्वसन करना है तो उसके लिए एनर्जी जो है वो कहां से मिलेगी, तो ATP करके याद रखिए, कोई भी सेल अगर अपनी रिसाइकलिंग करता है, O2 को CO2 में कन्वर्ट करता है, या उसके अंदर किसी भी तरीके से ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है, तो जो उसका सोर्स है ना, यानी कि जो उसको चाहिए, देखो पॉइंट क्या है कि अगर आपको ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन अगर करना है तो भी आपको ATP चाहिए, क्वेश्चन को समझना है इसको, ATP जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कराने के लिए भी जरूरी होती है और ATP को प्रोड्यूस करने के लिए भी जरूरी होती है, तो जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है वो हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, सेलुलर रेस्पिरेशन को एनर्जी को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, अभी क्वेश्चन आपको वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ फुल फॉर्म अगर एग्जाम में पूछ रहे तो आपको पूछी जा सकती है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, क्या है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। अच्छा आंसर आपके सारे लिखे हुए हैं, ऐसी आपको PDF मिलेगी, फटाफट क्वेश्चन होंगे उनके, फटाफट जो है ना वो आंसर आपको लर्न करने होंगे, बराबर है ये चीज,
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर में कौन सा अंग मानव शरीर में पानी के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप व्रत जो है ना वो आंसर लिख सकते हो. ठीक है, किडनी जो होती है हमारी, व्रत या गुर्दा जिसे हम कहते हैं, ये हमारी क्या कर रहा है, वॉटर बैलेंस करने के लिए, यानी कि पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार यहाँ पे होते हैं. हाउ मेनी टाइम्स डज अ हार्ट बीट रिक्वायर्स अप्रोक्सीमेटली. अगर एक दिल की धड़कन का मैं आपसे टाइम पूछूं, और ये दिल की धड़कन 0.8 सेकंड की होती है, ये सेकंड में दो सेकंड या दो साइकिल चलती हैं, एक 0.5 की होती है, एक 0.3 सेकंड की होती है. और ये जो साइकिल होती है, ये जो दिल की धड़कन है उसमें जो आवाज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लब डब करके बोलते हैं. तो धक धक वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग से निकालना है, ये क्या है हमारा लब डब वाला कॉन्सेप्ट है. तो लब डब जो है वो 0.5 और 0.3 सेकंड की दो साइकिल्स हैं, जो कंबाइंड होके एक साइकिल बन जाती है 0.8 सेकंड की, ये हमारी एक हार्ट बीट को बनाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, थक्का जिसे हम कहते हैं, तो विटामिन के, राइट. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने आज सुबह भी किया था कि कौन सा अंग पचे हुए भोजन में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ को नष्ट करता है. मतलब आप खाना खा रहे हो, आप खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें भी खा लेते हो जो कभी कभी टॉक्सिक होती है, राइट. मतलब जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, केमिकल है ऐसा कोई जो आपने खाने में खा लिया है. जैसे आप देख रहे हो आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आते हैं, फल सब्जियां जो आती हैं, वो पहले से ही केमिकली ट्रीटेड होके आती हैं. तो जब आप खाते हो तो वो केमिकल आपके शरीर में जाते हैं, उनको रिमूव करने का जो पूरा काम है ना वो किसके द्वारा किया जाता है, यकृत या लिवर के द्वारा किया जाता है. ये चीज आप लोग याद रखोगे. अच्छा, इसी से रिलेटेड विषैले पदार्थ की हम बात करें तो अगर किसी को जहर दे के मारा गया है, ये थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको, अगर किसी को जहर दे के मारा गया है ना, और ये पता लगाना है कि कितनी देर पहले उसको जहर दिया गया था और कौन सा जहर उसको दिया गया था, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो लिवर के टिश्यूज को निकाल के ही ये पढ़ा जाता है. क्योंकि जो भी जहर दिया होगा, जिस भी तरीके का जहर दिया होगा, वो लिवर के अंदर जो है वो मौजूद होगा, जैसे एकोनाइट है ना, और भी कई जहर होते हैं जो यहाँ पे दिया जाता है, तो उसके हिसाब से हम इसको बोल देते हैं, राइट. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सलाइवा, जो सलाइवा या लार जो होती है ना उसका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या होता है, तो आप टाइलीन करके याद रखिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियरली बोल देती हूँ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10,000 क्वेश्चन का आप मतलब समझ रहे हो. मैं तो शायद इस बैच के एंड में ये तक बोलने वाली हूँ आपको कि अगर आप ये सिर्फ 10,000 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको SSC और रेलवे में शायद कुछ और पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े. इतना मतलब अभी बोलना ये सही नहीं है, एक बार कोर्स कंप्लीट करेंगे तो मैं स्टेटमेंट ये दे सकती हूँ. पर शायद ये वो सारी चीजें हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं, तो और कहीं भागने की जरूरत नहीं है. इसको भी पढ़ोगे ना तो चीजें आपकी बढ़िया तरीके से हो जाएंगी. PDF जो है वो आपकी ऐप पे मिलेगी, और टेलीग्राम जो चैनल है GS विद शिप्रा चौहान उस पे मिलेगी. PDF की बातें, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी कुछ पूछना हो वो आप क्लास के एंड में पूछना, मैं आराम से आपको टाइम दूंगी, ठीक है. अब ये क्या है, लार का है, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो टाइलीन करके याद रखिए, ठीक है. टाइलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइलीन स्पेशली एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, तो टाइलीन करके याद रखिए. अच्छा, एक बार विटामिन जो है ना वो फटाफट रिवाइज करते हैं. देखो हमारे पास दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल यानी कि जो पानी में घुलनशील होते हैं, और एक होते हैं वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल करके. जो पानी में घुलनशील होते हैं हम उनको बोलते हैं विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन B और C. विटामिन B और C अगर कोई भी कंज्यूम करता है, उसको विटामिन अगर सप्लीमेंट कोई खा रहा है और वो लेगा, तो उसके यूरिन में विटामिन B और C देखा जा सकता है, यानी कि मूत्र में विटामिन B और C को देखा जा सकता है. रीजन ये क्योंकि विटामिन B और C जो है वो पानी के साथ घुल के हमारे शरीर में चलते हैं, राइट. अब मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, इस चार्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा, चार्ट आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा, ये PDF एज इट इज अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए. जो वाटर है उसमें आपके वाटर सॉल्युबल दो हो गए, B और C. फैट सॉल्युबल आपके पास कितने हैं, चार हैं, A, D, E और K. मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, विटामिन H जैसा कोई विटामिन नहीं पाया गया है अभी तक, और साइंटिफिकली प्रूवन बिल्कुल भी नहीं है,
राइट, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे एच को तो याद ही नहीं रखना है आपको किसी भी तरीके से। अब देखो विटामिन बी की मैं बात करूँ तो विटामिन बी बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव राइट बी सेवन बी सिक्स बी नाइन बी ट्वेल्व इन फॉर्म्स में पाया जाता है। आपको इनके रासायनिक नाम और इनसे होने वाली बीमारियां जो है वो समझनी है। जैसे अगर मैं विटामिन बी वन बोलूं तो क्या हो गया, राइबोफ्लेविन थायमिन करके पूरा लर्न करना है आपको। तो विटामिन बी वन हो गया थायमिन, सेकेंड हो गया आपका राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियासिन हो गया, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड हो गया, विटामिन बी सेवन जो है वो बायोटीन हो गया, विटामिन बी सिक्स पैराडॉक्सिन हो गया, विटामिन बी नाइन फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबलमीन या सियानोकोबलमीन करके हमने डिफाइन कर दिया। बीमारी जो है विटामिन बी की जो बीमारी है वो हमारी त्वचा के रोगों से होती है, यानी कि जो हमारे स्किन के जितने भी डिजीज होते हैं वो अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन बी की कमी होगी तो ही होगी। और दूसरी चीज जो है वो हमारे ब्लड के डिसऑर्डर, यानी कि अगर खून में विषैले पदार्थ हैं, अनीमिया हो गया है, एकदम सीवियर अनीमिया हो गया है यहाँ पे, तो आपको क्या होगा विटामिन बी की जो कमी होती है उसको भी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा या आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ये याद रहेगा आपको। दूसरी चीज जो है यहाँ पे विटामिन बी की तो हमने बात की, विटामिन सी, विटामिन सी आपका क्या रहता है, विटामिन सी रहता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। अगर कभी मेरे दांत में सूजन आ जाए या मेरे मसूड़ों में सूजन आ जाए, दांत में तो सूजन नहीं आ सकती, अगर मेरे मसूड़ों में सूजन आ जाए या फिर जो मसूड़े हैं उनमें से खून निकलने लग जाएगा, और ये बात मैं डॉक्टर को पूछूं, अब डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अब पता है अब से, कि अगर हम डॉक्टर को पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, भाई विटामिन सी लो, सिट्रिक एसिड जो है वो खाओ, अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर आपको विटामिन सी खाने को बोलेगा। और इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे मैं आपको पहले ही बोल दूं, आप में से जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं वो एटलीस्ट क्या कर रहे हैं आपको कि आप अपने खाने में फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, संतरा कीनू और नींबू और आंवला, ये चार चीज जो है ना वो आप भर भर के खाइए। तो कोरोना तो बहुत दूर की चीज है, शायद और भी चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, नींबू ठीक है, लेमन जो है वो आप डेली कंज्यूम करिए, संतरा जो है वो आप डेली दो संतरे तो खाइए खाइए, तीसरा नींबू हो गया, आंवला, आंवला आपके शरीर के बहुत सारी चीजों के लिए ठीक होता है। अच्छे बाल किसको नहीं चाहिए बताओ, अच्छी त्वचा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए है ना। तो आंवला एक डेली खा लो, आपको और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक आंवला खा लो, दो चार बादाम खा लो, 12-13 ग्लास पानी पी लो पर डे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके से, राइट। तो आपका ये क्या हो गया, इसको हम नींबू संतरा आंवला करके आप ये चार फ्रूट्स जो है ना उनको कंज्यूम कर लो, ठीक है, ये चीज याद रहेगी। तो ये है आपको विटामिन बी और विटामिन सी। ए विटामिन जो है वो हम किसको बोलते हैं, रेटिनॉल को बोलते हैं। विटामिन डी आपका जो है वो कैल्सिफेरॉल को बोला जाता है। अच्छा, कैल्सिफेरॉल में एक चीज याद रखिएगा कि आपका विटामिन डी थ्री और विटामिन डी टू ये तो अलग अलग दो अलग अलग सोर्सेज हैं, ठीक है। उसके अलावा ई की हम बात करें तो ई आपका क्या हो गया, टोकोफेरॉल करके, और के जो है वो हमारा किसको बोला जाता है, फाइलोक्विनोन को। अगर आंखों में दिक्कत है तो विटामिन के, हड्डी में दिक्कत है तो विटामिन डी, अगर सुंदर नहीं हो पा रहे कैसे भी करके तो विटामिन ई खा लीजिए और विटामिन सी खा लीजिए, आप एक महीने बाद बहुत ही बेहतरीन सुंदर हो जाएंगे। देखो अगर सुंदर होना है ना, सबको होना है भाई, हैंडसम लड़की, हैंडसम लड़का और स्मार्ट लड़की है ना, ये अच्छी चीजें है ना, होना भी चाहिए। तो उसके लिए विटामिन ई और सी अभी से खाना शुरू कर दो, दो महीने बाद एकदम ऐसा लाइट सी निकलने लगेगी है ना स्किन में से, ये याद रहेगा, इसको थोड़ा सा ना इसको अच्छे से लर्न करेगा। ओके राइट, लेट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नेक्स्ट टू द स्टमक, ये थोड़ा सा मुझे अच्छे से बताना है, तो इसको मैं डायग्राम के साथ बता रही हूँ, लेकिन इन बिटवीन पहले बाकी के क्वेश्चन कर लेते हैं या पहले इसका डायग्राम ही समझ लो। देखो आपकी स्क्रीन पे आपको तो डायग्राम नजर आ रहे हैं, ये जो है ना ये आपकी छोटी आंत का डायग्राम है ना। इसमें एक तो पहले याद रखनी है कि पेट के बाद या स्टमक के बाद या अमाशय के बाद आपकी जो ऑर्गन नेक्स्ट है अमाशय के अभी, वो है आपकी डियोडेनम, ठीक है। एकदम इसका गेट देखो, यहाँ पे पेट खत्म हो रहा है और पेट के बाद जो ट्यूब आपकी निकल रही है वो कौन सी है, डियोडेनम है। तो पहले तो ये डियोडेनम हो गया जो आपको नीले रंग का पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ इस सेगमेंट तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये आपका जिजनम हो गया, तो जिजनम आपका सेकेंड पार्ट हो गया, और उसके बाद तीसरा पार्ट जो है ना वो इलियम हो गया। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन मैंने आपको सुबह ही कराया था
कि विलाइज जो है वो हमारी कहाँ पे मौजूद होती है, आंसर करना है आपको छोटी आंत। ये देखो विलाइज इस तरीके से मौजूद होती है, अगर मैं एक स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ट्यूब है उसको बाहर निकाले और उसको ऐसे काट के देखेंगे तो आपको ये जो है वो विलाइज नजर आएंगी, जहां पे एक लेयर जो है वो इस तरीके की नजर आती है, मल्टीपल लेयर ऐसी नजर आती है और ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये वाली स्टेटमेंट थी कि पेट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी सेगमेंट या कौन सा हिस्सा होता है, तो ड्यूओडेनम आप करके याद रखिए, ठीक है। ड्यूओडेनम तीन हिस्से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत या बृहांत्र करके बोला जाता है, बृहांत्र छोटी आंत को और शूद्रांग जो है वो बड़ी आंत को बोलते हैं। तो जो बृहांत्र है उसके तीन हिस्से होते हैं, डेडेनम ड्यूडेनम पहला, जेजेनम दूसरा और तीसरा होता है इलियम, है ना। इलियम जो है इधर से ही बड़ी आंत जो है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या शूद्रांग शुरू हो जाती है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए, और इसमें एंजाइम्स भी निकलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम कौन से हिस्से से निकलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ड्यूडेनम वाले हिस्से से। एब्जॉर्प्शन ज्यादातर जो अवशोषण होता है खाने का वो ड्यूडेनम के हिस्से में होता है, लेकिन जो एंजाइम्स निकलने हैं ना वो ज्यादातर आपके ड्यूओडेनम में निकलते हैं। तो ये वाले एरिया में थोड़ा सा डाइजेशन जब हो जाएगा तो हल्का सा जो चेक पॉइंट जो होते हैं ना वो भी किया जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है विलाइज जो है वो कहाँ पे मौजूद होंगी, जेजेनम वाले पार्ट में, या फिर जेजेनम जो है ना उसमें मौजूद होंगी, याद रहेगा ये। नेक्स्ट देखिए, अच्छा पीछे वाला ही हम कर रहे थे तो अभी पीछे वाला कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ये याद हो गया ड्यूओडेनम वाले हिस्से में। दूसरा क्या है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, अगर उसमें सूजन हो जाए तो क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं, तो मेनिनजाइटिस करके उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस करके इसको बोलते हैं। तीसरी चीज, एक्सेप्शन टू मेंडल प्रिंसिपल। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको यही पे पूरा कराने की कोशिश करूंगी तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए अभी आप इसको सिर्फ लर्न करो, मैं आपको इसको एक्सप्लेन किसी क्लास में करूंगी। जैसे क्या लिखा हुआ है, मेंडल के प्रभुत्व का सिद्धांत का अपवाद कौन है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि मेंडल का प्रभुत्व का सिद्धांत क्या है। प्रभुत्व का सिद्धांत है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही ट्रांसफर होता है, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज, अगर मैं ये बोलूं कि ऐसा सब में नहीं होता है, ये अपवाद किसी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बोलते हैं ना ये वर्ड हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे एक्सेप्शन इस चीज का हो रहा है कि एक पौधा है जिसका नाम है मीराबिलिस जलापा, बड़ा सुंदर नाम है, पौधा भी बहुत सुंदर होता है ये मीराबिलिस जलापा, एक पौधा याद रखिए। क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको ये पता भी होना चाहिए, ये क्वेश्चन सीडीएस की किसी एग्जाम में पूछा था। मीराबिलिस जलापा एक पौधा होता है जिसमें अगली जनरेशन में कभी डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये फीचर है जो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये याद रहेगा। विच लंग डिजीज इज प्रेवलेंट अमंग दी वर्कर्स ऑफ दी इंडस्ट्रीज, तो एक जैसे जिस तरीके की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनको उसी से रिलेटेड बीमारी हो जाती है। अब जैसे छोटे बच्चे, दिस इज वेरी सैड पार्ट ऑफ दी इंडियन, जो छोटे बच्चों को आप कोल माइंस में ले जा रहे हो, या बड़े लोग भी जो है वो कोयले की खदान में काम करते हैं, तो कोयले जो है उसमें से काला डस्ट निकलता है, साथ में सांस भी ले रहे हैं तो उनके फेफड़ों में ना काला डस्ट जो है ना वो घुस जाता है। उसी तरीके से जो लोग कॉटन की यानी कि कपास के उद्योग में काम करते हैं, कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं, उन फैक्ट्रीज में जाने के बाद जो व्हाइट डस्ट होती है या हल्के से रेशे जो होते हैं ना वो सांस लेते हुए उनकी शरीर के अंदर चल जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में दिक्कत हो जाती है। इसको वैसे इन शॉर्ट बोला जाता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ओआरडी करके आप लोगों को याद रखना है, ओआरडी याद रखना है यहाँ पे। तो ओआरडी क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं उस एनवायरमेंट में जब हम सांस लेते हैं तो हमें डिसऑर्डर हो जाता है। अब आप पूरे दिन वाईफाई स्टडी पढ़ो, मतलब ऐसी क्लासेस पढ़ो, जीके पढ़ो, तो आपको फिर पढ़ाई की बीमारी हो जाएगी। तो फैक्ट है ये, जो चीज में आप ज्यादातर रहते हो आपकी बॉडी जो है उसी के लिए अडेप्टेड हो जाती है, तो ये थोड़ा सा उसी की तरीके से यहाँ पे हम बोलते हैं। ब्लैक लंग जो है ये इसी से रिलेटेड है शिखर, बिल्कुल ब्लैक लंग उसी से रिलेटेड है ये,
कॉटन की जो बीमारी होती है उसी की तरीके से हम बोलते हैं यहाँ पे, तो ये सारा वही सेगमेंट है। नेक्स्ट देखो, थायराइड ग्लैंड इज एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोन फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। हर एक हार्मोन अगर अपनी सिक्रीशन करता है तो उसके लिए उसके पास कुछ ना कुछ स्टिमुलेट होता है, मतलब धक्का मारो तभी गाड़ी चलेगी, ये वाला हिसाब किताब है। तो शरीर के जो ग्रंथियां हैं उनको धक्का मारेंगे तो थोड़ी सी गाड़ी चलेगी और हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होंगे। तो थायरोक्सिन हार्मोन में TSH याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH जो है वो जब उस पर प्रेशराइज करेगा निकलेगा तो थायराइड जो है वो थायरोक्सिन निकालना शुरू करेगा या थायरोक्सिन को रिलीज करना शुरू करेगा। अब एक क्वेश्चन और भी याद रखिए कि जो TSH है ये कहां से निकलता है, कोई बता सकता है? चलिए ये बता दीजिए, लेट्स सी कौन पहला सही आंसर देता है। थायरोक्सिन यानी कि TSH कौन से कहां से निकलता है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये कहां से निकलता है बताइए, कौन सी चीज हमारे शरीर के अंदर TSH जो है वो निकल रहा है। अच्छा आपका जो ये है थोड़ा सा साउंड जो है वो आपकी दो चार दिन रहने वाली है, मतलब जब तक टेक्निकल टीम पूरा घर पे आके सही नहीं करती है तब तक थोड़ा सा ये रहेगा, उसके बाद एकदम परफेक्ट होगा जैसे आपको बाकी क्लासेस में जाती है। तो बस दो चार दिन जो है ना वो साउंड जो है वो मैनेज कर लीजिए, और लाइट वगैरह जो है या आप बोल रहे हो जैसे लाइट वगैरह का जो इशू है तो एकदम दो चार दिन के बाद बढ़िया तरीके से चलेगा, जस्ट इस वीक थोड़ा सा आप लोगों को करना है मैनेज। अभी देखो आप यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आंसर कर रहे हो, लेकिन आप ये बोलो कि अगर थायराइड ग्लैंड से ही होता तो हम ये चीज बोलते ही क्यों। राजन कुमार बहुत बढ़िया, देखो सबसे पहले आंसर जो दिया गया है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड यहाँ पे, तो ये पिट्यूटरी, प्रदीप मदकामी है ना, प्रदीप बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ये याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट करती है, तभी तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हो। आप उसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो बाकी के सारे छह के छह हार्मोन्स जो है उनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल करेगा तो हार्मोन्स भी सिक्रीट होगा, आप जाके धक्का तो नहीं मारेगा लेकिन एक केमिकल सिक्रीशन करेगा तो वो स्टिमुलेट होगा थायराइड हार्मोन और अपने हार्मोन्स को निकालना शुरू करेगा, तो उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो TSH जो है वो कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अभी बराबर है, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव हृदय के किस कक्ष में महाधमनी यानी कि अरोटा, अरोटा को हम महाधमनी बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, शरीर में ऑक्सीजन पंप होता है, राइट। दोबारा से पढ़ते हैं, विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट पंप्स फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी अरोटा एंड हेंस टू दी बॉडी, यानी कि हमारे हार्ट में कौन सा ऐसा चैम्बर है जो हमारे शरीर को खून देता है, सीधा सा बात यह है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हमारे शरीर को खून देता है। हार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपको मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर से दो तीन चीजें क्लियर करती हूँ, तो इसको जरा समझना। पूरा हार्ट हमारा चार चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, थोड़ा सा डार्क इसलिए ये चीजें ताकि आप जो है ना वो इस पे फोकस करो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ना कि किसी और चीज पे फोकस करो, ठीक है। अभी देखो ये हमारा हार्ट का चैम्बर है जिसमें से ये वाले हिस्से को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। पहली बात तो याद रखनी है कि हार्ट का जो राइट साइड है वो हमेशा हमेशा क्या रखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रखता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड जो है वो हमेशा किसके द्वारा कैरी किया जाता है, हमेशा कैरी किया जाता है राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट। अब इसमें जो लेफ्ट साइड है वो आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट साइड जो है ये हमारा क्या कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम जो है ये क्या कर रहा है, ये भी दो पार्ट्स में, चैम्बर्स में डिवाइडेड, और ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैरी करेगा, यानी कि शुद्ध रक्त जो है उसको ही कैरी करने वाला है, हमेशा शुद्ध रक्त को लेके जाएगा। इसमें से भी अगर मैं बोलूं कि पहले और दूसरे यानी कि ऊपर और नीचे लेफ्ट पार्ट का कौन सा चैम्बर शरीर को खून दे रहा है तो वो है आपका ये वाला चैम्बर, यानी कि इसके हिसाब से निचला और वैसे शरीर के हिसाब से ये हमारे ब्लड का चौथा चैम्बर कहलाता है, ठीक है, चौथा चैम्बर इसको हम बोलते हैं। और आप इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलोगे, क्या बोलोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। बताइए कहीं भी किसी को तकलीफ, कोई भी दिल में दर्द थोड़ा सा भी किसी के, कहीं कोई चीजें नहीं समझ पा रही हूं। अच्छा अनअकैडमी की क्लासेस को लेके आप थोड़ा सा ज्यादा क्यूरियस हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी पे एक बार प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, और आप में से कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि साइंस का कंप्लीट थ्योरी कराना है,
तो उन लोग के लिए मैं बता देती हूँ। देखो पहली चीज तो ये कि अभी क्लास आज पहला ही दिन हुआ है, क्लास शुरू हुए, प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करने में हल्का सा टाइम लगता है, तो एक दो दिन का टाइम लगेगा। जो कंप्लीट साइंस की आपकी जो क्लासेस हैं या थ्योरी है, थ्योरी का जो पार्ट है उसको हम अनअकैडमी पे चलाएंगे। द पॉइंट इज दिस कि रेलवे वाले बच्चों को जरूरत नहीं है, वो दो एक साल से थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन, वन लाइनर्स और ऐसी चीजें करो, बराबर है? कहीं भी कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ ये है कि साथ में आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो वो जो है ना वो मैं आपको कराऊंगी अनअकैडमी की ऐप पे, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो स्पेशल क्लासेस का कोई फ्री होती है तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस 3-4 महीने जितनी चीजें पढ़ सकते हो आप पढ़ो आराम से, एसएससी में भी हेल्प करेंगी और आपका वैसे भी हेल्प करने वाली है। तो साइंस की जो क्लास होगी वो आपकी इन्हीं क्लास के बाद या आगे पीछे जो भी हम टाइम सेट करेंगे वो आपकी अनअकैडमी की ऐप पे एक दो दिन में शुरू हो जाएंगी। तो जो अभी चीजें करी आप पहले वो पढ़ लो, फिर मैं शुरू कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी जो पूरा पूरा है वो मैं पूरा पूरा ऐसी ही एज इट इज आपको बिना किसी ऐसे पेड बैच लाए हुए कराऊंगी, पूरा थ्योरी और इतने सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, आज पहला दिन है, सांस लेने ले हैं, बाद में एक दो दिन में तो क्लासेस काफी सारी लेनी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी क्लासेस की हम बात करें तो पीडीएफ जो है वो आपकी ऐप पे, जैसे सुबह वाली जो क्लासेस, अच्छा सुबह 8:30 से 9:30 बजे हम साइंस के क्वेश्चन और थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये आपका कंप्लीट जीके है, तो साइंस से शुरू इसलिए किया है ताकि आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बिठा पाओ, थोड़ी सी चीजें जो है वो आप समझा पाओ, ये सारी चीजें, ठीक है? मेरे ख्याल आप समझ गए हो सारी पार्ट। प्लेलिस्ट पहले क्लास को उन दो, प्लेलिस्ट तो तभी बनेगी। एक बार पीडीएफ और बाकी सारी चीजें मैं एंड में बता देती हूँ, पहले इन पे फोकस करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एंड डेड आरबीसी कहाँ पे खत्म होती हैं, पुरानी और मृत आरबीसी जो है वो कहाँ पे खत्म होती हैं, तो पीहा करके आप लोगों को याद रखना है। प्रोटीन जो है वो हमारी मसल्स में यानी कि हमारी मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये दो प्रोटीन है, दो प्रोटीन याद रखनी है, मैंने मायोसिन लिखी है, दूसरी प्रोटीन का नाम आप में से कौन बताएगा मुझे जल्दी से? अभी ना यूएनओ की पीडीएफ और सीपी पोर्ट की पीडीएफ जो है, अब उसके लिए मैं यहाँ पे टॉपिक करा दूं फिर मैं एकदम से अपडेट कर दूंगी, तो प्लीज करके आप टेंशन ना लो। सी पोर्ट की पीडीएफ जो है वो भी मैंने, चलिए ठीक है, उसको मैं ग्रुप में कर देती हूँ, टेलीग्राम में जीएस विद शिप्रा चौहान करके आपका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ में उसमें अपडेट करा देती हूँ, ठीक है? ओके, अगर मैं मायोसिन यहाँ पे लिख रही हूँ तो आप मुझे दूसरी का नाम बताइए, राजू राजपूत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है? नेम दी कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि मांसपेशियों में सुकड़ा हुआ प्रोटीन या मांसपेशियों को सुकड़ने के लिए, सुकड़ना वर्ड जैसे हिंदी में थोड़ा अजीब है, कॉन्ट्रेक्टाइल वर्ड ठीक है, जैसे कि ये देखो, जैसे यहाँ पे ये पेन रखा है, इस पेन को अगर मैं उठाऊंगी ऐसे करके तो कम से कम मेरे 60 ATP खर्च होंगे और मेरी जो मांसपेशियां है उसमें मेरी हड्डी दो जो मेरा पूरा हाथ है, मेरी जो मसल्स है, मेरे जो नर्व्स हैं, वो सारे के सारे एक साथ काम करेंगे, उसके लिए मेरी दो प्रोटीन्स भी काम करती हैं, एक होती है एक्टिन और एक होती है मायोसिन, तो आप दोनों का याद रखिएगा, ऑप्शन में एग्जाम में क्या पूछा हुआ है तो दोनों याद रखना है, ठीक है? एक्टिन और मायोसिन करके। हमारी कोशिका में 80% से ज्यादा कौन सी चीज मौजूद होती है, तो पानी याद रखना है, ठीक है? वाटर जो है वो हमारे किसी भी सेल में 80% से ज्यादा मौजूद होता है, और टोटल मिला के अगर मैं 75 ट्रिलियन सेल्स की बात करूं तो हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 72% जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। अच्छा ये वाली जो चीज है ना ये हमारे न्यूरॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, न्यूरॉन्स जो होते हैं या जो जिनको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं उनमें पानी की जो परसेंटेज है वो 60 के आसपास होती है, ठीक है? तो वहां पे फिर एवरेज निकाल के हम ये बोलते हैं हमारी बॉडी में पानी की परसेंट कितनी है, तो हम बोलते हैं कि भाई 70% जो है ना वो हमारे शरीर के अंदर पानी मौजूद है, राइट? पेट की कौन सी कोशिकाएं जो है वो पेप्सिन रिलीज करती हैं, तो चीफ सेल। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ गया, मेरे ख्याल जो दिए होंगे उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, चीफ सेल्स बोलते हैं, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, ऑक्सेंटिक सेल। तो हमारे पेट में कुछ सेल्स होते हैं जो पेप्सिन को रिलीज करने का काम करते हैं, कौन से सेल हैं, तो आप चीफ सेल्स करके याद रखेंगे इसको, ठीक है? चीफ सेल्स करके याद रखना।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। जैसे मैंने ये बड़ी बार क्वेश्चन कराया है आपको कि स्ट्रेप्टोमाइसिन करके एक दवाई आती है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल है और ये जब किसी को टीबी हो जाती है तो उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है, या जैसे हम कभी डॉक्टर के पास नॉर्मली भी सर्दी जुकाम वगैरह के लिए जाएंगे तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जरूर दी जाती है, एक इम्पॉर्टेंट दवाई है। उसी तरीके से आप याद रखिए कि ट्यूबर क्लोसिस के लिए यानी कि तपेदिक के लिए और लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग बोला जाता है उसके लिए रिम्फामाइसिन नाम की एक दवाई है जो बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत प्रचलन में होती है डॉक्टर्स के लिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट मेंबर, ये हार्ट ऑफ मेंबर, स्तनपायियों में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, तो चार आपको याद रखने हैं। स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, यानी कि जैसे देखो हम हाथ पकड़ते हैं और फिर यहाँ पे हम अपनी जो नाड़ी है उसको देखते हैं ना कितनी पल्स चल रही है और हम उसके हिसाब से बताते हैं कि बढ़िया है अभी अच्छे से दिल धड़क रहा है, सांस भी बढ़िया चल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फाइग्मोलॉजी। आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो नाड़ी और धमनी रक्तचाप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप स्फाइग्मोलॉजी करके याद रखेंगे, ठीक है। विच एनिमल बिलोंग्स टू द फैमिली इन विच पांडा बिलोंग्स, तो पांडा और भालू एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्य हैं। कौन सा ग्लैंड जो है वो एज के साथ यानी कि जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो धीरे 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 गायब होने लगती है, तो थाइमस करके याद रखेंगे, ठीक है, थाइमस। नेक्स्ट देखो, अगर मच्छरों को नियंत्रण करना है तो कौन सी मॉस्किटो जो है, अगर हमें मच्छरों को नियंत्रण करना है तो कौन सी मछली जो है उसको पानी में डाल देना चाहिए, तो आप लोग को याद रखना है गैम्ब्यूसिया या गैम्बूसा करके बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कंबाइन हो जाता है, अब देखो हमारे पास तो जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का है, वो है चार चैम्बर का, इस तरीके का हार्ट है हमारा, चार चैम्बर का छोटा सा हार्ट है, बढ़िया। अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड इधर है, ऑक्सीजनेटेड इधर है, यानी कि मिल थोड़ी रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं एम्फीबियंस की बात बोलूं तो एम्फीबियंस में याद रख लीजिए कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कंबाइन हो जाता है। यही चीज जो है वो पाइसिस के लिए भी होती है, यानी कि जो मत्स्य संघ है उसमें भी यही होता है, उसमें भी जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कंबाइन हो जाता है। तो ऐसे करके आप याद रखिए, इनमें से कौन सा सिम्बायोटिक एल्गी जो है वो हाइड्रा के साथ पाई जाती है, तो यूक्लोरेला करके याद रख लीजिए। अगर यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम गाउट करके बोलते हैं, ठीक है, गाउट। फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन विच ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल ऑफ द सेल, सेल के किस सेलुलर ऑर्गेनल के द्वारा भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया करके याद रखना है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया करके याद रखना है। डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल लीड्स टू डेंटल कैरीज, फ्लोरीन करके याद रखिए। बीसीजी वैक्सीनेशन जो है वो किस बीमारी के लिए दी जाती है, तो बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन करके इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, बैसिलस कैलमेट और ग्यूरिन, किस बीमारी में इसको हम सुरक्षा, इसको प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो ट्यूबरक्लोसिस और तपेदिक करके याद रखिए, ट्यूबरक्लोसिस और तपेदिक में इसको दिया जाता है। मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 करके याद रखना है। आप थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं करा दे रही हूँ। अच्छा, ये तीनों चीजें हिपेरिन, हिस्टामिन और हिस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आज की क्लास में कुछ और समझो नहीं समझो ये जरूर समझ के जाओ आज की क्लास में। देखो, द एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस फाउंड इन द ब्लड, यानी कि रक्त में पाए जाने वाला थक्का रोधी किसको बोलते हैं, तो उसके लिए आंसर आपको हिपेरिन लिखना है, ठीक है, हिपेरिन। जब हमारे शरीर के बाहर खून निकलता है, निकल के आ जाता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, अगर हमारे शरीर के बाहर जो है ना वो खून निकल के आता है, तो इसका मतलब ये है कि हिपेरिन काम नहीं कर रहा है, तो कोएगुलेशन शुरू हो जाती है, यानी कि ब्लड क्लॉट शुरू हो जाता है। आप ये समझो कि अगर यही खून शरीर के अंदर थक्का जमाना बंद हो जाए, तो मैं आपको बताती हूँ मात्र 6 सेकंड के अंदर किसी की भी मौत हो सकती है। अगर किसी के भी एक पर्टिकुलर हिस्से में जहां से फ्लो थोड़ा सा फास्ट है, तो अगर वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई, यानी कि हार्ट के किसी भी आर्टरी और वेंट्रिकल में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि मात्र 6 सेकंड में मृत्यु हो सकती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ये बोलूं कि शरीर के अंदर थक्का जमाने वाला थक्का रोधी पदार्थ कौन सा है,
तो आपको हिपेरिन आंसर करना है। मैं आपको ये बोलूं कि एंटी एलर्जिक सब्सटेंसेस बताइए जो कि ब्लड के अंदर फाउंड होता है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे अंडे से एलर्जी है, या फिर मुझे पॉल्यूशन से एलर्जी है, या आम से एलर्जी है, या किसी भी पर्टिकुलर चीज से मुझे एलर्जी है, तो अगर वो चीज मैंने कंज्यूम की, मैंने खाई, तो क्या होगा कि मेरे शरीर पे दाने दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हिस्टामिन नाम का प्रोटीन जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने फिर से क्या लिखा है यहाँ पे, हिस्टामिन नाम का जो प्रोटीन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब इसी में तीसरी चीज, अगर मेरे क्रोमोसोम्स बन रहे हैं तो यानी कि डीएनए जो है वो किसके साथ बाइंड कर रहा है, वो बाइंड कर रहा है यहाँ पे हिस्टोन नाम की प्रोटीन के साथ। तो क्वेश्चन क्या लिखते हैं आपको कि प्रोटीन कौन सी ऐसी है जो डीएनए के साथ जुड़ती है और क्रोमोसोम बनाती है, यानी कि क्रोमोसोम का कंपोनेंट क्या है, एक तो डीएनए है और दूसरा हिस्टोन नाम की प्रोटीन, तो आप उसको क्या बोलते हो, हिस्टोन। तो ये तीनों जो है ना वो एक जैसे वर्ड है, तो इनमें आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ये चीजें बिल्कुल भी क्लियर एंड लाउड होनी चाहिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तीनों चीजें समझ आ गई। देखो हिपेरिन क्या हो गया, ब्लड में कोएगुलेशन या एंटी कोएगुलेशन, एंटी कोएगुलेशन होगा क्योंकि कोएगुलेशन तो बाहर निकल के होती है, थक्का तो बाहर निकल के बनता है। हिस्टामिन क्या होगा, ताकि मेरे शरीर मुझे एलर्जी के बारे में बता सके कि भैया तुमने जो चीज नहीं खानी थी वो खा ली है तो तुम्हारे शरीर में एलर्जी होगी, अब जाके इंजेक्शन लगवाओ एंटी हिस्टामिन के, तो वो कौन सी चीज होती है, वो एंटी हिस्टामिन होती है, ये भी प्रोटीन ही है। तीसरी चीज हिस्टोन करके याद रखिए, अगर क्रोमोसोम बनाने हैं या बनने हैं हमारे शरीर के अंदर, तो वो डीएनए जो है ना वो हिस्टामिन हिस्टोन नाम की प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बनाएगा। बराबर है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी ये नहीं है कि भाई लो हमने डाइजेशन पढ़ लिया, लो हमने लो क्लासिफिकेशन शुरू कर लिया, नहीं। बायोलॉजी का मतलब होता है जब आपको इन चीजों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ऐसी तरीके से आपको मैं ज्योग्राफी के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, जिनके लिए ज्योग्राफी तो वैसे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी हो जाती है, मुश्किल सी हो जाती है, तो जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि, और ये तभी हो सकते हैं जब आपको उनके बीच में डिफरेंसेस बताओ, छोटी छोटी चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो देखो नेक्स्ट, देखो अभी इम्पोर्टेंट मैं आपको हिस्टामिन वगैरह के लिए बता देती हूँ। ये सारी चीजें एक बार आप अपने लेवल पे रिवाइज करोगे पूरी की पूरी, एक बार बैकग्राउंड वगैरह शेयर, कल की क्लास में मैं चेंज करके आऊंगी, मुझे भी लग रहा है शायद ये ग्रीन बैकग्राउंड काम नहीं कर रहा है, विल हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड ओनली, काला, और ये सिर्फ 3-4 दिन की प्रॉब्लम है, बाकी बैकग्राउंड की आवाज की बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी ठीक हो जाएंगी, जस्ट वेट फॉर 3-4 दिन। 3-4 दिन थोड़ी सी आप लोग पेशेंस रख लो, जैसी क्लासेस चल रही है थोड़ा सा उनके साथ बेयर कर लो, थोड़ा सा 3-4 दिन के बाद सारा सिस्टम जो है ना वो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। राइट, अभी ये देखो पॉइंट इज दिस कि हाउ मेनी रीजन फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन, तो 3 आंसर है आपका। विटामिन 6 की कमी से महिलाओं में कौन सा रोग होता है, तो अनीमिया करके आप लोग याद रखोगे, ठीक है, अनीमिया। डायलिसिस जो है वो हमारे ह्यूमन ब्लड में डायलिसिस जब की जाती, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, तो डायलिसिस में अगर ग्लूकोज को ह्यूमन ब्लड से अलग करना है तो वो प्रोटीन वाला जो पार्ट है उसको हम चेक करते हैं कि अगर प्रोटीन ब्लड में है या प्रोटीन जो है उसकी हेल्प से ब्लड मतलब या डायलिसिस किया तो ग्लूकोज को प्रोटीन से अलग कर सकते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को प्रोटीन से अलग कर सकते हैं। पैलियोबॉटनी किस चीज को बोलते हैं, तो अगर आप पौधों के फॉसिल्स के बारे में पढ़ रहे हो तो हम उसको पैलियोबॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोबॉटनी, इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी तक पैलियोबॉटनी आपने सिर्फ जीवाश्म में पढ़ा होगा तो आप उसको एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो, है ना, तो थोड़ा सा याद रखिए पैलियोबॉटनी जो है वो पौधों के लिए भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके, अच्छा बायोडीजल कौन से पौधे से निकाली जाती है, तो जेट्रोफा करके याद रखना है। टोटल एटीपीस कितने निकलते हैं हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो 38 जिसमें से -2 हम कर दिए तो 36 एटीपी हमारे पास रह जाते हैं। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन करके याद रखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लिवर करके याद रखना है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहां, किसको बोला जाता है, तो प्लीहा करके आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा आपका सेल का स्ट्रक्चर जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया शो किया हुआ है, आप इस पॉइंट के साथ यहाँ पे ये पूरा पार्ट कंप्लीट करो, फिर मैं यही पे क्लास छोड़ूंगी।
और 100 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपके पास अपडेट हो जाएगी, उसको आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, छोटा सा है यहाँ पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल बोला जाता है, क्योंकि ये नहीं है तो आपके शरीर का कोई भी शायद अंग जो है वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ये आपके शरीर में एटीपी बना रहा है, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो बना रहा है। तो ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर, और इस सेल के अंदर यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में अगर हम देखेंगे तो वो इस तरीके से नजर आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का टोटल फंक्शन ये है कि भाई जितना हो सकता है एटीपी जो है ना उसको आप प्रोड्यूस कर दो, ताकि शरीर जो है ना वो काम करे। यहाँ पे एटीपी आपके लिए एनर्जी करेंसी है, यानी कि आपके शरीर के लिए बहुत मूल्यवान चीज है। तो थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट को और इस चीज को समझ के रखना। अच्छा, पीडीएफ वगैरह के बारे में और सारी चीजें एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, हिंदी का सेगमेंट अलग होगा और इंग्लिश का आपका जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, बाकी कोई भी चीजें होंगी उसको आप कल की अब मुझे आइडिया लगे ना, आप कल की क्लास से मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्लासेस के टाइमिंग्स एक बार नोट कर लीजिए आप लोग सारे स्टूडेंट्स, आपकी सुबह 8:30 से 9:30 बजे साइंस की क्लास होती है, जिसमें अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप कवर कर पाओ, और उन क्वेश्चंस को हम थ्योरी की मदद से पढ़ते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन है तो उसकी थ्योरी को भी समझा जा सके और चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, राइट। तो 8:30 से 9:30 बजे जो है वो आपकी ये क्लास चलेगी। दूसरी क्लास आपकी ये है जो अभी 6 से 7 चल रही है, तो इसको एक बार कल का टाइम आप देख लीजिएगा इसका क्या रहेगा। 6 to 7 इवनिंग में आपकी ये क्लास चलेगी। यहाँ पे हम जीके के 10,000 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ साइंस नहीं है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। साइंस के साथ हमने शुरू किया है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सब कुछ होगा इसमें। 10,000 ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी का जो 25 नंबर का जीके है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकता है, और पूरा अच्छे से कंप्लीट करा देगा। ये इसका Series-1 है, Series-2 और Series-3 और Series-4, यानी कि 4 सीरीज जो है वो इसकी पूरी की पूरी लॉन्च होंगी, और जिसमें हम 10,000 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट कर देंगे। कोई इश्यू नहीं है आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट ये है कि बस आप क्लास देख लो। भुनेश सर की क्लास 35 और 40 तक ओवर हो जाती है, आप उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली क्लास भी बस आप देख लो पूरा दिन में, कभी भी किसी भी टाइम देखो। लाइव आते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस ये है कि इसको देख लेना पूरे दिन में। ये दो बातें हो गई आपकी क्लासेस की, 8:30 से 9:30 और 6 से 7 पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ आपकी दो जगह अपडेट होंगी। एक तो आपकी जो ऐप है वाईफाई स्टडी वाला, पूरा जो ऐप पे जहां जाती है वहां तो जाएगी ही जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम जो है वो जीएस विद शिप्रा चौहान से जितना आपको लिखना है उसमें आपकी पीडीएफ सारी की सारी अपडेट हो जाएगी, तो वो एक बार आप वहां पे देख लीजिएगा। अनअकैडमी की मैं बता देती हूँ, इसके लिए आपको 1-2 दिन का टाइम लेना पड़ेगा। अनअकैडमी में मैं साइंस का फुल कोर्स जो है वो कंप्लीट कराऊंगी स्पेशल क्लासेस में, तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप उस कोर्स को पूरा अच्छे तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे हम सेक्शन वाइज करेंगे, तो जिसको जो सेक्शन करना है वो आराम से कर सकते हैं। अब तीसरी चीज, इसके अलावा जो छोटे मोटे इश्यूज हैं जैसे साउंड का है और ये सारा, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं बोर्ड पे क्लास करूं थोड़ी बहुत साउंड के साथ और लाइट के कमी के साथ, या मैं क्लास करूं वो बैठ के जैसे करते हैं, वो भी इस सिस्टम पे जैसे करते हैं। दो ऑप्शन थे, मेरे ख्याल बोर्ड पे अभी क्लास करना ज्यादा अच्छा है, थोड़े बहुत इसमें दिक्कतें हैं तो वो मैं ट्राई करूंगी कि ब्लैक बैकग्राउंड हो कल से, तो आप लोग को ब्लैक बैकग्राउंड पे दिक्कत नहीं होगी। इस बैकग्राउंड पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आवाज का भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, और अगले हफ्ते तो हर चीज परफेक्ट होगी। तो सैटरडे को कोई टेक्निकल टीम आएगी, वो सारा सेटअप करेगी माइक वाइक, तो तब तक सब बढ़िया हो जाएगा। बस 3-4 दिन जो है ना वो आप इसको मैनेज कर लीजिए। बाकी यस, जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े थे और इस पूरा 1 ईयर में भी जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया और साथ में जुड़े रहे हैं, तीसरी चीज जो बच्चे काफी सारे जो अभी बहुत ज्यादा खुश हैं मुझे यहाँ पे देख के, और ऐसे बच्चे जिनको शायद मेरे पढ़ाने से अब मदद मिलेगी, एग्जाम में कुछ अच्छा हो सकता है, एग्जाम में आप अच्छे तरीके से क्लासेस और इनकी क्लासेस की मदद से अगर आपके एग्जाम में मैं आपके कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाऊं थोड़ा बहुत भी कुछ परसेंट भी, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। सो क्लासेस देखिए, लाइव देख सकते हैं तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जैसे भी है क्लासेस बस देख लीजिए, जो कंटेंट में देते हो वो कर लीजिए। क्लासेस लाइव आना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसी चीजें होती हैं जो शायद पीडीएफ से कवर नहीं हो सकती है, ठीक है।
सब हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना करो, सब हो जाएगा, बोर्ड वगैरह, आवाज वगैरह, हर चीज आप लोगों के लिए सही से होगा। अब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना जरूरी था, आवाज और ओबीएस में आ जाती, लेकिन वो पे मजा नहीं आता ना उस तरीके से पढ़ने में, थोड़ा फील भी तो आए कि अच्छे से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलिए आप कल की क्लास में ज्वाइन करते हैं, सुबह 8:30 बजे पहले साइंस के लिए आ जाइए, कंप्लीट साइंस के लिए, और शाम को यही टाइम आपका, इस टाइम पे आप आ जाइए, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी, थैंक यू सो मच टू बी विद मी, ये पूरा जो जर्नी है, थैंक यू सो मच मेरे साथ शुरू से जुड़े रहने के लिए और आज भी जुड़े रहने के लिए। जो लोग नए बच्चे हैं वो भी आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, आप बहुत कुछ सीखोगे, अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखोगे, अपनी बॉडी के बारे में बहुत सब कुछ सीखोगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।